Hi guys, good afternoon. Kaise aap log? My name is Narendra Kumar and this is our channel. Let's crack bank exams. Okay, so this channel ko follow karo completely. And yahan pe bahut sare videos maine create kar diye hain, unko watch karte rehna. And maine pad course bhi create kar diya hai Unacademy pe. Aap usko bhi watch karo. Alright, तो वो complete course है, बहुत सारे questions करा दिए, practice करा दिया मैंने, इतनी tricks बता दी मैंने आपको, तो अब आप शिकायत नहीं कर सकते कि English में tricks नहीं होती, या हमें पता नहीं चलता, interest नहीं आता है, एक बार हिम्मत रख के सारा course देख लो, you will fall in love with English, alright, so all the best and ये recorded session है, because वो थोड़ा ही technical issue चल रहा है, so no problem and like share कर देना session को और जितने भी क्वेश्चंस मैं यहां पे कराऊंगा उन्हें पार्टिसिपेट करना और आंसर्स लिखना आई विल बी लाइव इन कमेंट सेक्शन ऑलराइट चलो लेट्स गो फॉर इट तो दिस इज द टीम फॉलो ऑल दिस वंडरफुल एजुकेटर्स ऑलराइट एंड डाउनलोड अनअकैडमी ऐप आई एम श्योर यू हैव द अनअकैडमी ऐप वहां पे फ्री क्लासेस भी होती हैं उन क्लास को भी करो एंड दिस इज द कोड आप लगा करके आराम से मेरा पैड कोर्स देख सकते हो ऑलराइट जो भी आपके फेवरेट एजुकेटर्स हैं उनका कोड लगा सकते हो आप लोग Let's crack it. ये हमें अपने दिमाग में हमेशा रखो All right. तो first question on your screen. Okay. So, जब भी आप error देखते हो, look for the verb, look for the noun, singular, plural, countable, uncountable, article, conjunction, prepositions. ये कुछ common mistakes हैं. हर रास्ते में जो word मिले उसे verify करते जाए करो. Simple सी बात है. So, I'll give you like 20-20 second. तो let's play 20-20 everyone. One more time. All right. Everyone and join my channel all right telegram channel aap join kar sakte ho is tarah se at naren sir ye likh lo to aapko mil jayega comment mein main likh dunga wahan se aap dekh lena theek hai yahan pe aisa likh lena ya fir english by naren sir english for pdf english by naren n a r e n चलो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ऑल राइट सो आई होप सबने कर लिया होगा पढ़ लिया द अवार्ड रिकॉग्नाइजेज हर फिक्शन वर्क्स वर्क्स जानते हो जो लिटरेचर होता है जो नॉवेल्स होते हैं क्रिएशन पोइट्रीज पोइम्स वो सब कुछ विच हैव इल्यूमिनेटेड द ओके वर्क्स विच हैव इल्यूमिनेटेड द इंडियन अमेरिकन एक्सपीरियंस इन ब्यूटिफुली रॉट नरेटिव्स ऑफ स्टेंजमेंट एंड बिलोंगिंग तो देखो ये फिक्शन नहीं होगा फिक्शनल होगा एडजेक्टिव फिक्शन नाउन होता है ठीक है और आई और फिक्शनल हमारा क्या होगा एडीजे तो वी नीड एडजेक्टिव फॉर्म नॉट नाउन फॉर्म तो ये मिस्टेक भी हो सकती है सो बी केयरफुल नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन वी स्ट्रांगली बिलीव इन मोटिवेटिंग द स्टूडेंट एंड गिव दैम अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल एंड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क मैंने पढ़ा आपने पढ़ लिया होगा चलो अब इसको दोबारा से देखते हैं वी स्ट्रांगली बिलीव इन मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स एंड गिविंग पैरालिज्म हैशटैग पैरालिज्म लिखो इफ यू हैव अंडरस्टूड मैंने बोला हुआ है कि एंड हमारा सुसाइडल पॉइंट होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल्स ब्रेक होते हैं तो देखो एंड एंड के मोटिवेटिंग एंड गिविंग दैम दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ पैरालिज्म द एलिमेंट्स शुड बी पैरेलल Try this one. Next question now. A team of researchers have developed an inexpensive secular method named SafePay prototype system to prevent mass credit card fraud. चलो देखते हैं कौन पकड़ता है एक बार पढ़ने के बाद दोबारा ब्रेक कर लो समझ में आ जाएगा अब देखो हमेशा याद रखना अ टीम तो फोकस इज ऑन टीम हेंस हैज होगा अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स हैज हैव नहीं होगा क्योंकि अ टीम कलेक्टिव नाउन सिंगुलर सेंस में यूज हो रहा है लोग इसके हिसाब से हैव कर देते हैं जो कि गलत होता है सो बी केयरफुल ठीक सो ए में मिस्टेक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्विकली पार्टिसिपेट करो अपने अपने आंसर लिखते जाना सब लोग ऑलराइट The marketing program focuses on the challenges any management faces in developing and implementing a successful marketing program. देखो सब लोग बहुत सिंपल मिस्टेक है
आर्टिकल्स को हमेशा वेरीफाई करना सीखो, ठीक है, और उनको चेक किया करो, और वर्ब चेक किया करो, नाउन फॉर्म चेक किया करो, इस तरह से मिल ही जाता है कुछ ना कुछ। आओ देखें, द मार्केटिंग प्रोग्राम फोकसेस, लगता है कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो द तो करेक्ट है अपनी जगह, द मार्केटिंग प्रोग्राम फोकसेस सिंगुलर है तो फोकसेस इज ऑल्सो गुड, फोकस ऑन द चैलेंजेस एनी मैनेजमेंट, ओके ओके लेट्स फोकस एनी मैनेजमेंट फेसेस इन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इन ING एंड ING पैरेललिज्म इज ओके, ठीक है, एन इम्प्लीमेंटिंग व्हाट अ सक्सेसफुल मार्केटिंग प्रोग्राम, नो एरर, करेक्ट था। चलो ट्राई दिस वन, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यूज विल होल्ड, ये होल्ड करेंगे, पर्सनल इंटरव्यू विल होल्ड, पर्सनल इंटरव्यू कुछ करेगा, नो विल बी हेल्ड, ये पकड़ लिया आप लोगों ने, एक्टिव और पैसिव का एरर जरूर ध्यान में रखा करो भाई लोग, ठीक है ना, क्योंकि बहुत उल्टा मीनिंग हो जाता है। राइट नाउ इट सीम्स GD एंड पर्सनल इंटरव्यू विल होल्ड इन और इन ऑल इम्पोर्टेंट सेंटर्स, नाउ ये किए जाएंगे, विल बी हेल्ड, अब तो आपने समझ लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलराइट ये वाला देखो, तो वी हैव अ क्वेश्चन हियर, ओके, पीपल वांट रियल एंड जेन्युइन रिलीफ एंड नॉट क्लियरली प्रॉप्ड अप आर प्रॉब्लम और एग्जाजरेटेड बेनिफिट्स विच, तो ये जो बोल्ड पार्ट है उसका रिप्लेसमेंट ये है, देखो कौन सा वाला रिप्लेसमेंट हो सकता है, एक बार डायरेक्शन फिर से पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस फॉर सेकंड थर्ड गिवन बिलो ईच सेंटेंस कैन नॉट रिप्लेस, कितना जरूरी था डायरेक्शन पढ़ना, देख रहे हो आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस कैन नॉट रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर्स विदाउट ऑल्टरिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, कौन सा रिप्लेस नहीं कर सकता, कौन सा गलत है, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, ओके, चूज द बेस्ट ऑप्शन अमंग द 5 राइट, तो गलत वाला ढूंढना है, इनकरेक्ट यूज, बताओ इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, दिस वन विच पार्ट इज इनकरेक्ट, ये वाला यहां फिट ना होगा, इसको रिप्लेस ना कर पाए, वो देखो, एनीवन पीपल वॉन्ट रियल एंड जनरल रिलीफ एंड नॉट क्लेवरली प्रॉप्ड अप और एग्जाजरेटेड बेनिफिट्स, ओके दैट इज नॉट सो इम्प्रेसिव व्हेन, ऑल राइट ठीक है, ये गलत है, इनकरेक्ट है, ऑल राइट, विच कैन बी अनइम्प्रेसिव व्हेन सब्जेक्टेड टू क्लोज स्क्रूटनी, तो ये गलत हो गया, ये सही है तो हमारा ये करेक्ट आंसर है, वी नीड इनकरेक्ट वन जो वहां फिट नहीं हो सकता। चलो डायरेक्शन इज वेरी क्रिटिकल, जरूर पढ़ना चाहिए, बताओ कौन सा वाला रिप्लेस नहीं हो सकता है, व्हाइल द डिस्ट्रेस ऑफ रूरल एरियाज हैज बीन राइटली एम्फेसाइज्ड, ओके इन मेंथ दिस शुड नॉट लीड टू निगलेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डिफिकल्टीज ऑफ वीकर सेक्शन इन रूरल एरियाज, ऑलराइट, अब देखो ये हैव लगा रखा है यहां पे, ठीक है, डिस्ट्रेस तो ये तो गलत हो गया, इवन इफ द डिस्ट्रेस इन रूरल एरियाज हैव ये भी गलत हो गया, तो ये वाला करेक्ट आंसर हैव और हैव से गलत कर रहा था, ये वाला कर जाएगा, दो द डिस्ट्रेस ऑफ रूरल एरिया हैज, तो ये करेक्ट आंसर है, दीज टू कैन नॉट रिप्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी क्विक, अब आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है, तो क्विक करने की कोशिश क्या करो, टाइम बाउंड कि 10 सेकेंड में करना है, 20 सेकेंड में करना है, चैलेंज किया करो, द पुलिस आर इनकरेजिंग इन पीपल टू कम फॉरवर्ड विद एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द किडनैप्ड गर्ल,
इन्फॉर्मेशन गलत होता है, पता है? ठीक है ना, सिंगुलर प्लूरल में सेम रहता है, ये इन्फॉर्मेशन गलत है। ठीक है, टू स्टेप फॉरवर्ड विद एन इन्फॉर्मेशन करेक्ट, टू फर्निश विद एन इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। तो जो गलत पार्ट है वो ये है, हमें गलत ढूंढ रहे हैं कि विच सेंटेंस विच रिप्लेसमेंट कैन नॉट बी द, ठीक है, जो उसका रिप्लेस नहीं कर सकता, इनकरेक्ट। तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट, अच्छे क्वेश्चन हैं इनको, बस इंटरेस्टिंग है कि सेकंड्स में खत्म करना है एक एक पॉइंट देख करके। स्कीम्स लाइक नरेगा विच प्रोवाइड वर्क नियर होम वाइल क्रिएटिंग लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब होता है पैसा प्राइमरली, एंड इनहेंसिंग असेट्स नीड सिग्निफिकेंटली हायर। देखो स्कीम्स लाइक नरेगा, तो नरेगा के लिए नीड होगा क्या, बताओ? ठीक है, क्या होगा इसे, नीड्स होना चाहिए था नरेगा, नीड्स सिग्निफिकेंटली हायर एलोकेशंस। ओके, नीड्स आर सिग्निफिकेंट हायर एलोकेशन, नो 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 नो, ये गलत हो गया, ये भी गलत है, क्योंकि सिग्निफिकेंटली चाहिए हायर। हायर क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, कंपेरेटिव एडजेक्टिव, वी नीड व्हाट, एडवर्ब, तो ये गलत हो गया। नीड्स अ हाईली सिग्निफिकेंट, ये गलत हो गया एलोकेशंस, क्योंकि ऑर्डर हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, एडवर्ब आता है पहले, देन कम्स एडजेक्टिव, देन कम्स नाउन फॉर्म, राइट? वी नो दैट, क्लियर? ऑलराइट, ये भी गलत, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो नीड ही नहीं लिखा है। तो एक्चुअली ऑल थ्री आर इनकरेक्ट सजेशंस, दीज थ्री पार्ट्स कैन नॉट रिप्लेस दिस पार्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट, वन मोर ये रिकॉर्डेड शॉर्ट सेशन है। ऑल राइट, आप इसको देखो, पुराने वीडियोस भी देखते रहो, कंप्लीट लर्निंग हो जाएगा आपका। ओके, व्हाइल द गवर्नमेंट हैज़ बीन अनाउंसिंग रिलीफ अंडर सर्टेन कैटेगरीज, मैनी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स स्टिल फील थ्रेटन्ड बाय द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ्स, हैज़ बीन अनाउंसिंग। ओके, देखो अब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना है, ठीक? इवन दो द गवर्नमेंट हैज़ बीन अनाउंसिंग, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, अच्छा वाला चीज़ है, तब भी लोग थ्रेटन फील कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है? तो वाइल तो गलत है पक्का, ये भी हो जाएगा गलत हमारा, डिस्पाइट अनाउंसिंग बिल्कुल गलत जाएगा, ठीक? सो दिस इज करेक्ट, तो ये करेक्ट आंसर है सी वाला, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक? ये रिप्लेस कर सकता है, बट हमें वो चाहिए जो रिप्लेस नहीं कर सकता है, सेकंड थर्ड। ऑल राइट, चलो और नया पार्ट करते, नया टाइप करते हैं हम लोग क्विकली। देर आर थ्री सेंटेंस, 1, 2, 3 given in the following questions, find the sentences which are grammatically correct. Ab dekho, this is the keyword, always read direction very carefully and look for the keyword, correct chahiye ki incorrect chahiye. All right, three sentences given in the following questions, find the sentences which are grammatically correct and mark your answer choosing the best possible. Correct wala chahiye humko, batao kon kon correct hai isme se, chalo check karte hain. I'll give you enough time. और चेक करते हैं, इसराइल दो स्टिल इनहेंसिंग टाइज विद चाइना इज डिजायरस, ओके, डिजायर टू सप्लाई मिलिट्री हार्डवेयर एंड पार्टनर
and partners India on matters of security and economic development. Israel, though still enhancing ties with India, with China, is desirous of supplying. Desirous of supplying military. तो ये वाला तो भाई गलत हो गया हमारे पास. अब देखो ये. The world is moving towards real politics. Correct जा रहा है ये तो. Ignoring previous relations based on history, commonality of religion and humanitarian consideration. ये correct है. Across the globe, terrorism is a major threat which India has kept under control. ये भी correct है. तो second and third correct है. कहाँ गया? D correct answer है guys. D. सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट में गलत था हमारा. चलो नेक्स्ट चैलेंज फॉर यू. ये मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, कंप्लीटली मेंस लेवल. देखो, while the use of hard power and tough diplomatic negotiations almost invariably hog the spotlight ले लेते हैं in international relations, soft power rarely comes into play. Correct है. अब देखो, culture including Buddhism has होगा भाई culture के हिसाब से singular has become one of the three key markers in India. ये गलत है. We need has because of culture. Some experts opine that the emphasis in some, okay, emphasis in hota hai ya on hota hai, check karo. On some versions of the Ramayana in Southeast Asia is more on simple storytelling than on evoking. Yahan on ja raha hai, emphasis on, to ye bhi on jayega, ye bhi galat hai. To first correct answer hai. Interesting questions, be next. और रीड करते हैं द आरटीई एक्ट और मैंडेटेड कंपलसरी ट्रेनिंग ऑफ ऑल टीचर्स इन अ टाइम वेयर्ड मैनर विद अ साइमल्टेनियस ओवरऑल मतलब किसी को रिपेयर करना ऑफ द टीचर एजुकेशन करिकुला. ये करेक्ट है. ऑलराइट. इन व्हाइल इंडिया हैज बीन वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्रीज टू ठीक है टू हैव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अ टीचर एजुकेशन रिजीम नेशनली इफेक्टिवली नो इफेक्टिव आउटकम्स. इसको इफेक्टिव बना दो. इफेक्टिव आउटकम इफेक्टिव रिजल्ट्स ऑफ सच ट्रेनिंग प्रोविजंस हैव रिमेन्ड अ मैटर ऑफ डिबेट. इफेक्टिव होगा. इफेक्टिव आउटकम्स क्या हमारा नाउन है ठीक है. दैट्स व्हाई वी नीड एडजेक्टिव. मैं आपको पढ़ाऊंगा ठीक है कि हाउ टू फाइंड एडजेक्टिव नाउन्स ऑल दीज थिंग्स इन अ सेंटेंस. तो दिस इज रॉन्ग. अ क्रिटिकल फैक्टर दैट डिक्टेट्स क्वालिटी स्कूलिंग इज ट्रेन्ड मैन पावर. ये करेक्ट है. सो बेसिकली सी वाला फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग. ओके वन मोर क्वेश्चन. आपको चैलेंज कर रहा होगा, नो प्रॉब्लम ठीक है. चैलेंज से नहीं डरना है.
आओ आओ नेक्स्ट देखते हैं. सम ऑफ द स्कल्पचर्स एंड वर्क्स ऑफ इवन नॉन हिंदूज मेंशन, तो मेंशन सही है, प्लूरल सम आया हुआ है. द गंगा एज द बेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स, करेक्ट. द गंगा रिकॉर्डेड एज द क्रेडल ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन, ओके, हैज बीन, करेक्ट है ये, ग्रेजुअली सिंकिंग एंड स्टिंकिंग, स्टिंकिंग बदबू आ रही है, सिंकिंग पानी कम होता जा रहा है, ये भी करेक्ट है. द सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन आर, अब आर किसके लिए आया हुआ है, सोर्सेज के लिए आया हुआ है, द सोर्सेज डेफिनेट करेक्ट आर अर्बन लिक्विड वेस्ट, इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट, ठीक है, लार्ज स्केल वैलोइंग ऑफ कैटल एंड डंपिंग ऑफ द डेड इन टू द वाटर, ऑल आर करेक्ट. वेरी सैड क्वेश्चन. ऑल राइट, वन मोर, वन मोर देन वी आर डन. ऑल राइट, आई विल गिव यू इनफ टाइम. बहुत सारा कंटेंट मैंने आपको पढ़ा दिया है जो कि आपके लिए मेंस लेवल के लिए, प्री लेवल के लिए परफेक्ट है. देखते रहो और बाकी सारे बच्चों को बताते रहो, ठीक है. मेरा चैनल है इंग्लिश बाई नरेंद्र सर टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लो. जो भी आपको हेल्प चाहिए, यू कैन आस्क फॉर द हेल्प. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. ये तो बहुत ही सिंपल है, देखो, वन ऑफ फॉलोड बाई सिंगुलर एज होगा, तो ये तो पक्का ही गलत हो गया. जब पक्का गलत हो गया, समझ गए. चलो फर्स्ट और सेकेंड अभी देखते हैं. जापानीज जियोलॉजिस्ट अप इस्टीमेट प्लूरल, जियोलॉजिस्ट प्लूरल, ठीक है, इस्टीमेट्स दैट 2.3 स्क्वायर किलोमीटर पैच ऑफ सी फ्लो नाइट कंटेन, ये भी करेक्ट है, इनफ रेयर, ओके, इनफ रेयर अर्थ मटेरियल्स टू सस्टेन ग्लोबल डिमांड फॉर ईयर, करेक्ट है ये. द WWF प्रेडिक्ट्स सिंगुलर व्हाट दैट वी विल बी फोर्स्ड टू कॉलोनाइज, वी फोर्स्ड टू कॉलोनाइज व्हाट, टू प्लैनेट्स विद इन 50 ईयर्स इफ नॉट नेचुरल रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी एक्सप्लोर्ड एट द करेंट रेट, ये भी करेक्ट है. तो एक्चुअली फर्स्ट और सेकेंड करेक्ट है, दिस इज करेक्ट आंसर. इस वाले में तो ऑब्वियस एरर था, वन ऑफ ये वाला. ओके, सो गाइज इट वॉज अ शॉर्ट सेशन, ओके, एंड आई होप यू इन्जॉयड इट. लाइक शेयर कर देना, एंड अनअकैडमी पे बहुत सारे वीडियोज़ बना दिए, आप सारे वॉच करते रहो. कीप फॉलोइंग मी, आई विल कीप टीचिंग यू द बेस्ट ऑफ द स्टोरीज, ऑल द न्यू पैटर्न क्वेश्चंस, ठीक है, पैरारा बेस्ड क्वेश्चंस, हर वो चीज़ से आप डरते हो, ठीक है, वी विल सॉल्व विद इन सेकेंड, एंड आई हैव कम्प्लीट एवरीथिंग हेयर, राइट, ऑल द बेस्ट, एंड ठीक है, सी यू अगैन. Okay, with renewed hope, energy, and awesome awesomeness, and stay blessed. All the best. All right. ये बचे हुए क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा. All right. Next. जो लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो कोड, everything is recorded for you. Use this code Naren Live. आप आराम से जा करके पढ़ो, जा करके, ठीक. बहुत कुछ पढ़ा दिया मैंने प्लस पे, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, सबकी ट्रिक्स बता दी हैं. वो ग्रामर जरूर पढ़ना मेरा, जिस ग्रामर से आप शिकायत करते हो कि दो महीने बाद भूल जाते हो, उसकी मैंने गारंटी ली हुई है, मैं भूलने नहीं दूंगा. वो बहुत इंटरेक्टिव कोर्स है. सो ऑल द बेस्ट, एंड सब्सक्राइब टू लेट्स क्रैक बैक एग्जाम्स. ऑल द बेस्ट.